आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कुछ ऐसे गर्भ के एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स यानी शेप में डिफेक्ट, अगर शेप में कोई डिफेक्ट हो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है, या आपके प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं या मिसकैरेज रेट्स भी बढ़ सकते हैं। आइए कुछ ऐसे कॉमन डिफेक्ट्स के बारे में आज चर्चा करें। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड्स बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं यानी कि कैंसरस नहीं होते, जो यूट्रस के मसल में ग्रो होते हैं और उनके साइज और लोकेशन के मुताबिक ये इम्प्लांटेशन यानी कि जब अंडा फर्टिलाइज होता है तब यूट्रस में वो अंडा चिपकता नहीं है, फर्टिलाइज्ड अंडा, या कभी कभी ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से अंडा और स्पर्म मिल नहीं पाते, जिससे फर्टिलाइजेशन में रुकावट होती है। अगला है यूट्राइन पॉलिप्स। पॉलिप्स छोटे ग्रोथ होते हैं जो लाइनिंग से अंदर की तरफ आते हैं, यानी कि यूट्राइन लाइनिंग, ऐसे समझिए कि यूट्रस के दीवारों से ये छोटे छोटे ग्रोथ्स गर्भ की तरफ, अंदर की तरफ आते हैं। ये भी इम्प्लांटेशन में बाधा डाल सकते हैं और अबनॉर्मल ब्लीडिंग का भी कारण बन सकते हैं, जिसकी वजह से करेक्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। एडिनोमायोसिस भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो टिश्यू है, यूट्रस का जो टिश्यू है, वो मसल के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हैवी पेनफुल पीरियड्स होना, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा सकना, या एम्ब्रियो यूट्रस में नहीं चिपकना भी हो सकता है। अगला है यूट्राइन सेप्टम। ये सेप्टम एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें एक टिश्यू का, जो एक थिक टिश्यू समझिए, बहुत सारा टिश्यू जो है यूट्रस गर्भ के बीच में से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे गर्भ दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसकी वजह से इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो सकता है यानी गर्भ के अंदर एम्ब्रियो को चिपकने में प्रॉब्लम हो सकता है, या मिसकैरेज रेट भी बढ़ सकता है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। अगला है एशरमैन सिंड्रोम। इस कंडीशन में स्कार टिश्यू तैयार होता है जो यूट्रस के अंदर कभी कभी सीरियस भी हो जा सकता है। ये अक्सर प्रीवियस सर्जरी या इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसकी वजह से कभी कभी यूट्रस के वॉल्स चिपक जाते हैं यानी कि गर्भ दोनों तरफ से चिपक जाता है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी में बाधा हो सकती है। सर्वाइकल स्टीनोसिस भी एक ऐसा कंडीशन है जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है यानी कि यूट्रस की शेप में डिफेक्ट है। इसमें यूट्रस का जो द्वार होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं, या तो वो बहुत छोटा होता है या बिल्कुल ही बंद होता है, जिसके कारण जो स्पर्म्स होते हैं वो यूट्रस में अंदर नहीं जा सकते। अगला है म्यूलेरियन एनोमलीज। इसमें कई विविध तरह के डिफेक्ट्स आते हैं जो गर्भ को, यूट्रस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, सर्विक्स को या वजाइना को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इनमें थोड़े नाम है, सेप्टेट यूट्रस, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस, डाइडेल्फस यूट्रस, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और इसमें अगर प्रेगनेंसी आ भी जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस भी अधिक मात्रा में होते हैं। डायग्नोसिस यानी इसके बारे में पता कैसे लगा सकते हैं, डेफिनेटली मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, बहुत सारे अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर्स हैं जिनसे ठीक से अनुमान लगाया जा सकता है प्रॉब्लम क्या है। ट्रीटमेंट अक्सर सर्जरी भी हो सकता है जिससे हम फाइब्रॉइड, पॉलिप या स्कार को निकाल सकते हैं और जो ये डिफेक्ट है उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन कई अवसरों में ये डिफेक्ट ठीक नहीं किया जा सकता। इन अवसरों पर हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं जैसे कि IUI या IVF। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।